हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रेज स्टार में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ब्लैक कोबरा, यानी कि काला सांप अपने घर पर बनाकर। क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे या आज भी बहुत सारे छोटे जो बच्चे होते हैं, अपने छोटे बच्चे हैं घर में, उनको आम खास दिवाली के ऊपर जो छोटी छोटी इतनी इतनी टिक्की आती है सांप की गोलियाँ, उनसे सांप निकालने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। और हमें भी होता था, मेरे हिसाब से आपको भी होगा। तो मैं जब छोटा था मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। छोटी सी गोली आती थी, एक डिब्बी के अंदर 5 या 10 गोली, आजकल तो 5 भी नहीं आती, उस टाइम 10 गोलियां आया करती थी और उससे सांप निकलता था। तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा पीटते थे, मारते थे कि यार पूरा पूरा जो आंगन है वो काला कर दिया है वगैरह वगैरह। तो आज उसी सांप को, जब छोटे बच्चे थे तो छोटा सा निकालते थे, अब हम बड़े हो गए हैं तो उसी सांप को हम घर पर निकालेंगे, घर की खाने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करके। जो वस्तुएं आम खास हमारे घर में रसोई में काम आती है उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करेंगे और एक बड़ा सारा सांप निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कुछ इस सामान की जो आपके सामने है। तो इसमें है सबसे पहले अपने पास चीनी, जो घर पे इस्तेमाल की जाती है। वो चीनी मैंने ब्रिक इसे अच्छे से पीस ली है ग्राइंडर की सहायता से। देखिए ये चीनी है ब्रिक पीसी हुई, जो घर में इस्तेमाल करते हैं शुगर जिसे कहते हैं, वो ब्रिक मैंने पीस लिया अच्छे से, वो है। उसके बाद में इस्तेमाल करेंगे ये बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वही है, और एक खाली गिलास, और ये थोड़ा सा पेट्रोल, और आग जलाने के लिए इस लाइटर का उपयोग करेंगे, और कुछ मिट्टी जो अपने आम खास घर में हर जगह पर ये अवेलेबल रहती है। हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान की ही मिट्टी अपने यूज़ करने वाले हैं। तो इसी चीज़ को मैं इस्तेमाल करके आज आपको काला सांप निकाल कर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, हम इस मिश्रण को मिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने क्या चाहिए, इस खाली गिलास के अंदर मैं चीनी डालूंगा। चीनी को 4 चम्मच डालना है, जितना चम्मच भर के आप डालो चीनी उतना ही आपको मीठा सोडा या बेकिंग सोडा डालना है। तो इस प्रकार से 4 चम्मच जितना भी हो मैं ये 4 चम्मच डाल रहा हूँ। 1 बराबर बराबर मात्रा में होना चाहिए, 2 ये हो चुका है, 3 सॉरी फ्रेंड्स 3 और ये 4। 1 चम्मच थोड़ा सा कम था इसलिए थोड़ा ऊपर डाल रहा हूँ, 3रा चम्मच थोड़ा सा कम था वो, ये होगी 4 चम्मच। अब इसे चीनी को करते हैं अपने साइड में। हाँ, ये मैं आपको थोड़ा टेस्ट करवा दूँ, कई कुछ लोगों के दिमाग में हो यार चीनी अपने को दिखाया नहीं, चीनी है कुछ और है, तो ये कोई और आइटम नहीं है, देखिए चीनी है, ये देखिए दोस्तों। अगर कोई और चीज़ होती तो मैं खा नहीं सकता था इसे, ठीक है। ये है अपने बेकिंग सोडा, जिसे घर में खाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसे मैं इसमें 1 चम्मच यूज करूंगा इसका, इतना काफी है, ये 1 चम्मच होगा। इसे भी अपने करते हैं साइड में। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेना है कि चीनी और जो बेकिंग सोडा है दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अपने 4 चम्मच इसमें चीनी है और 1 चम्मच बेकिंग सोडा है, ठीक है, ये मिश्रण अपने मिक्स हो गया, इतना ही काफ़ी है। अभी इस मिट्टी को लेंगे, ये मिट्टी को मैंने एक बर्तन में डाल रखा है, इसके ऊपर ये पेट्रोल, अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है, केरोसिन हो तो केरोसिन भी आप डाल सकते हो, ये मेरे पास पेट्रोल है, मैं पेट्रोल का इस्तेमाल करूँगा। इसके ऊपर इस तरह से पेट्रोल डाल दें, ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना सा कि इसमें आग जल सके, ये देखिए दोस्तों इतना काफ़ी है। अब इसे मैं करता हूँ साइड में, और इसके ऊपर अपने जो मिश्रण बनाया है चीनी और बेकिंग सोडा का, इस मिश्रण को डाल देते हैं, ये देखिए इसके बीचों भी डालना है ताकि साइड में आग भी जल सके। ये दोस्तों थोड़ा फैल चुका है, मैं आराम से डाल देता हूँ, लीजिए फ्रेंड्स इससे मैं करता हूँ साइड में, इतना काफ़ी है। अभी क्या करेंगे, इस लाइटर की सहायता से इसमें आग जलाएंगे दोस्तों, और फिर देखिए चमत्कार, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स आग जल चुकी है। मौसम सर्दी का है तो अच्छे से हाथ भी सेक लेते हैं ताकि सर्दी ना लगे, और आप देख सकते हो इसके अंदर ये अपने जो सांप है वो निकलना शुरू हो चुका है और बाहर निकल भी रहा है। Thank you.
तो दोस्तों ये था अपना घर का बनाया हुआ काला सांप, जो अपने दिवाली पर बनाते हैं, वो टिक्किया लेकर आते हैं छोटी सी और फिर छोटा सा सांप निकलता है। ये मैंने घर पर ही बनाया है, आपके सामने है, चीनी और बेकिंग सोडा की सहायता से। तो अच्छा है, इससे प्रदूषण भी होता है, लेकिन जो दिवाली वाली गोली से होता है उससे बहुत कम होता है, उससे बहुत ज़्यादा होता है दिवाली वाली से, और इससे थोड़ा उसकी बजाय कम होता है, और सांप भी आप देख सकते हो उससे बड़ा निकल रहा है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट जो आप वीडियो देख रहे हो उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देना है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस भाई ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने यारों दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।